नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से 24 घंटे के अंदर में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नीतीश कुमार भारी दबाव में है और इस दबाव में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है, और ख़ास करके नीतीश कुमार का जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस है, उसमें से सभी बातें नीतीश कुमार के सामने आती नज़र आ रही हैं। एक तरफ क्राइम की बात करें तो नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बन रहा है, तो वहीं करप्शन की बात करें तो नीतीश कुमार के कई करीबी करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में संजीव हंस जिस तरह से गिरफ्तार हुए, और उनके साथ साथ गुलाब यादव भी हिरासत में है, रिमांड पर लिया गया है। और इन सभी बातों के साथ साथ जो तीसरा सी है कम्युनिज्म, उसको लेकर के गिरिराज सिंह कटघरे में खड़े हैं। इन सभी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए उनके 19 साल के शासन में ये पहला ऐसा अवसर है जिसमें नीतीश कुमार तीनों ही जो सेक्टर है उसमें घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस की रिमांड के बाद कोर्ट ने राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी 7 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है। ईडी ने उन्हें सौंप दिया है, और इसके बाद से आप समझ सकते हैं कि जब रिमांड पर लिया गया है तो इनसे बहुत सारी बातें पूछताछ की जाएंगी। पूछताछ के क्रम में हमने पहले भी आपको बताया था, जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ था तो कहा गया था कि एक डायरी है जिसमें बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, और यह हिसाब किताब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 19 साल के शासन का कच्चा चिट्ठा भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, और नीतीश कुमार पर इस दबाव बढ़ने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह का उलट पुलट और उठा पटक होगा। आपको बता दें कि ईडी ने आईएएस संजीव हंस से पूछताछ की। ईडी के सूत्रों की माने तो उनसे तोहफे में मिली महंगी घड़ियाँ के बारे में और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को देते रहे हैं फ़ायदा पहुंचाने के लिए। बिजली कंपनी में ठेकेदारी करने वाले प्रवीण चौधरी ने 9 करोड़ के फ्लैट की खरीदारी से पहले आप और आपकी पत्नी उसे देखने क्यों गए थे, इसके लिए भी पूछा गया, और इसमें अभी कई लोगों के नाम धीरे धीरे करके शामिल होते जा रहे हैं। ईडी की टीम ने संजीव हंस से यह भी पूछा कि आपको मर्सिडीज किसने दी। इतना ही नहीं, अभी और भी कई राज हैं जो खुलने हैं। एक लाल डायरी की बात हम जो बता रहे थे, उस लाल डायरी में शामिल कई नाम धीरे धीरे करके अब आने लगे हैं जद में। रिमांड मिलने के बाद अब ईडी उनके 3 अन्य सहयोगी सदाब अहमद, प्रवीण चौधरी और पुष्पराज को रिमांड पर लेने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि जेल में बंद सदाब खान, प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा दाखिल की गई है याचिका, जिस पर सुनवाई 26 अक्टूबर 2024 को सुरक्षित कर ली गई थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार पर कितना दबाव बढ़ता है। ये मामला आसान दिख तो रहा है लेकिन आसान है नहीं, इसमें कई लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, और जिस विभाग की बात कर रहे हैं, बिजली विभाग, उसमें नीतीश कुमार के पास ही ये विभाग हमेशा से रहा है, यानी नीतीश कुमार की भी गर्दन कहीं ना कहीं इसमें फंसी हुई है, मंत्री उन्हीं के पार्टी से हुआ करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस करते हैं, करप्शन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इस बात को लेकर के अब जबकि ये सभी कुछ देखने को मिल रहा है, एक तरफ क्राइम को लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में हैं, लगातार क्राइम का जो डाटा है वो तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि गिरिराज सिंह घूम घूम करके हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, और गिरिराज सिंह का एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें थप्पड़ मारने की बात कही है, उसने तो हद ही कर दिया है। उसको लेकर के अब एक बार फिर से समीक्षा के दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, और इसी समीक्षा के दौर में नीतीश कुमार ने कल एक बैठक भी बुलाई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये 2 सेक्टर तो नीतीश कुमार को परेशान कर ही रहे हैं, तीसरा सेक्टर संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद शुरू हो चुका है, जिसमें संजीव हंस के खुलासे के बाद यदि उन्होंने मुंह खोला तो कई और अधिकारी और नीतीश कुमार के करीबी इसमें फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेंगे और किस तरह की बातें होंगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।